हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग। कहते हैं ना, ये जो इंडिविजुअल है बहुत कॉम्पिटेंट है और ये जो इंडिविजुअल है थोड़ा लेस कॉम्पिटेंट है। मतलब क्या है, फिगर आउट करते हैं। व्हाट इज कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू प्रैक्टिस द नॉलेज एक्वायर्ड ओवर टाइम। वेरी सिंपल, किसी ने कोई 15 ईयर्स में डिग्री, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद PhD, फिर डबल PhD सब कुछ किया, ठीक है, और जब वो नॉलेज को शोकेस करने का टाइम आया तब वो उसमें सक्सेसफुल रहा। मतलब उस बंदे के पास कॉम्पिटेंस है, लेकिन किसी ने डिग्रीज ग्रैस्प की, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने का टाइम आया, नॉलेज को थोड़ा शो ऑफ करने का टाइम आया, तब वो बंदा नहीं कर पाया। इसका मतलब वो बंदा लेस कॉम्पिटेंट है। बस यही है वीडियो का क्रक्स, कॉम्पिटेंसीज मेजरेबल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने कहते ये बच्चा इज सुपर कॉम्पिटेंट, ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर, राइट? तो कॉम्पिटेंसी जो है मेजरेबल है, क्योंकि एकदम से आप सामने सामने स्किल्स कंपेयर कर सकते हो, राइट? कंपेयर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, दैट्स व्हाई कॉम्पिटेंसी इज मेजरेबल। दो चीज क्लियर हो गई, कॉम्पिटेंसी शो ऑफिंग ऑफ द नॉलेज, सेकेंड इट्स मेजरेबल। नंबर थ्री, बींग कॉम्पिटेंट मीन्स यू डोंट ओनली हैव द नॉलेज टू परफॉर्म अ टास्क। आपके पास खाली ज्ञान नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। बट नॉलेज तो सबके पास है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EVS, SST और इंग्लिश, बस यही तो सब्जेक्ट्स हैं, सबने यही पढ़े हैं, राइट? अगर आप ग्रेजुएशन में आ जाते हो तो एनालिटिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, आपके जितने भी BTech वगैरह के 30-40 सब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के ग्रैस्प करके किसने क्या क्या किया, दैट्स बीइंग द कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इज अ लर्निंग अप्रोच वेयर लर्नर्स मूव फ्रॉम वन लर्निंग लेवल टू अ हायर बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रीवियस लेवल। मैंने आपको अपना लेवल वन का लर्निंग दिखाया, आपने कहा ठीक है भाई लेवल टू पर चलते हैं, लेवल टू का मैंने आपको शो ऑफ किया, आपने कहा चलो भाई ठीक है, बच्चा कॉन्फिडेंट है, बच्चा कॉम्पिटेंट है, लेवल थ्री पर चलते हैं। इंडिया में तो खासकर अभी ऐसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह आई हैं, हो सकता है ये इंप्लीमेंट हो जाए। अब्रॉड में अगर आपकी 2 ईयर्स की डिग्री है, ठीक है, और वहां पर एक ना क्रेडिट सिस्टम होता है, मेरे साथ बोलेंगे क्या होता है क्रेडिट सिस्टम। इसमें क्या होता है, 2 ईयर्स की डिग्री के, अभी बहुत सिंपली समझते हैं, 20 क्रेडिट्स बच्चों को स्कोर करने हैं, ठीक है। बच्चों ने ना मेहनत करके, 2 ईयर्स का मतलब 24 मंथ्स हो गया, बच्चों ने मेहनत करके 14 मंथ्स में ये 20 क्रेडिट स्कोर कर लिए, तो उनकी डिग्री पूरी हो गई। अब ऐसा नहीं है उनको जबरदस्ती वहां पर 2 साल रुकना पड़ेगा, चलो भाई ठीक है 14 मंथ्स में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी, अब आप जाओ, आप कॉम्पिटेंट हो, आपने शो ऑफ किया आप आगे गए, आपने शो ऑफ किया आप आगे गए। ऐसा नहीं 2 साल की डिग्री अब तो बैठना ही पड़ेगा, अब तो उसको जब तक ये 2 साल कंप्लीट नहीं हो जाते कुछ कर ही नहीं सकते। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, इससे थोड़ी सी लर्निंग फास्ट होती है, जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। कंपनीज में भी ऐसी होता है, ऐसा नहीं कि अप्रैल में ही अप्रेजल होगा, भाई अप्रेजल होता है हर 3 महीने में, अगर कॉम्पिटेंट हो जाओ 1 साल में 4 अप्रेजल लो, राइट? कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आ जाते हैं जी, यूरोपियन यूनियन डिफाइंस कॉम्पिटेंसी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स अप्रोप्रिएट टू द कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको और किन किन कीवर्ड्स के थ्रू हम बताते हैं। स्किल बेस्ड लर्निंग, प्रोफिशिएंसी बेस्ड लर्निंग, मास्टरी बेस्ड लर्निंग, आउटकम परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन, ये सब कुछ भाई बहन नाम है किस चीज़ के, CBL, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कौन कौन यूज़ करता है, भाई जैसे मैं हूँ, मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है जी। कोई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो भी यहाँ पर कवर हो गया। जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट तो की थी लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अपनी मेहनत से सीखते 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 वो कॉम्पिटेंट बन गए, वो लोग भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे, उनको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो लर्नर जिन्होंने स्पेसिफिक स्किल्स, बिल्कुल उन्हें पता था क्या करना है लाइफ में और सिर्फ वही उन्होंने डेवलप किया, मतलब कोई एक डिग्री है 3 ईयर्स की, उस डिग्री में इन टोटल 30 सब्जेक्ट्स थे, उन्हें बस एक ही सब्जेक्ट पसंद था, उन्होंने उस एक सब्जेक्ट की मास्टरी करी और बाकी के जो 29 सब्जेक्ट्स हैं उनमें पासिंग स्कोर किया। उसके लिए CBL बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग डिलीवर किया जाता है ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्मेट में, क्योंकि ऑफलाइन में तो हमें हर एक के हिसाब से जाना पड़ेगा, CBL में हर बच्चे का, हर चीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, राइट?
कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लर्नर सेंट्रिक मैंने आपको पहले बताया था, बच्चे को ऑडियो चाहिए हाँ देंगे, बच्चे को वीडियो चाहिए हाँ देंगे, बच्चे को रिविजन चाहिए हाँ देंगे, बच्चे को रिविजनरी वीडियोज चाहिए वो भी देंगे, बच्चे को रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट चाहिए वो भी देंगे, बच्चे को रेगुलर बेसिस पर फीडबैक चाहिए वो भी देंगे, बच्चे को पीटीएम्स में अपने पेरेंट्स को लाकर उनको पार्टिसिपेट कराना, अपनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड वो भी करेंगे। लर्नर सेंट्रिक जो जो बच्चा कहता रहेगा वो हम करते रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंस बेस्ड है। अगर बच्चे ने एक साल का सिलेबस 6 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया हमारे थोड़े एक्शंस के थ्रू, तो कितना अच्छा हो जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आउटकम बेस्ड। आउटकम बेस्ड है, सामने आएगा कि चलो भाई अच्छा आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, चलो इस एग्जाम में स्कोर करके दिखाओ, हो गया। चलो एक थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम है उसमें स्कोर करके दिखाओ, वो भी हो गया, ठीक है भाई क्लास क्लियर। भले ही 7 मंथ्स हुए हैं लेकिन आप उस क्लास में अब नेक्स्ट क्लास का पढ़ना स्टार्ट कर दो। आउटकम बेस्ड होता है सारा का सारा। आपने बहुत सारे बच्चे भी देखे होंगे जिनके पेरेंट्स ये बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो उनको आप देखोगे 6th क्लास में वो 7th क्लास की मैथ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट हो चुके हैं कि हाँ भाई 6 तो हो गई, अब चलते हैं आगे, राइट। आउटकम बेस्ड है। नंबर 3, डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर आपको प्रॉपर बेसिस पर फीडबैक प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को, आपको डिफरेंट असेसमेंट्स के थ्रू पता लगाना है अच्छा ये बच्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करो, इसको और कॉम्पिटेंट बनाओ इस फील्ड में, राइट। एफिलिएशन, आपको डिफरेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है। सी, ऑफलाइन की बहुत ज़्यादा लिमिट है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, आपको 100 पेजेस की एक बुक रिकमेंड करनी है स्टूडेंट को, तो अगर आप क्लास में जाओगे पहले तो 40 कॉपीज़ होंगी उनकी, राइट। तो प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। डिजिटली आपने PDF डाउनलोड किया, मेल कर दिया बच्चे को, टीचमेंट ऐप पर आपने अपलोड कर दिया, वहाँ पर आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। पर्सनलाइज मैसेजेस, जितने ज़्यादा पर्सनलाइजेशन में आप जाओगे कि बेटा ये सुन आपने अगर आज यहाँ पर ये ठीक किया होता तो आप और ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन सकते थे, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करो। जितना ज़्यादा पर्सनलाइजेशन होगा, बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी माइंडसेट पर ध्यान दिया जाएगा, उसके लर्निंग हैबिट्स पर ध्यान दिया जाएगा, उतना ज़्यादा वो बच्चा कॉम्पिटेंट होगा। और ये जो कीवर्ड है ना, ये आउटकम बेस्ड, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना, राइट। बेनिफिट्स ऑफ CBL, फोकस ऑन मास्टरी, ऐसा करके मास्टरी होती है। Level 1, शो ऑफ किया स्किल, गए Level 2 पे। Level 2, शो ऑफ किया स्किल, गए Level 3 पे। Level 3, शो ऑफ किया स्किल पे, गए मास्टर लेवल पे। ऐसे फॉर्मेट में जाते 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 क्या होता है भाई, एट द एंड मास्टरी तो आई जाएगी, राइट। क्योंकि सब कुछ शो ऑफ है, ऐसा नहीं है कि हमने नॉलेज ग्रैस्प किया और हम बैठ गए, नहीं, हमने दुनिया को दिखाया, अपने आप को प्रूव किया, फिर हम आगे गए, फिर हम आगे गए, मास्टरी हो जाती है ऐसे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट विद दिस लर्निंग अप्रोच, लर्नर कैन लर्न हाउ टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स एंड अप्लाई देम टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली लाइफ में यूज पता चल जाता है। आपने किसी स्टूडेंट को कहा कि भाई ये मूवी है 3 घंटे की मूवी है, मुझे पता है आप देखोगे तो हुई, क्योंकि अभी आई है, नहीं नेटफ्लिक्स या प्राइम पे या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे, चलो इसका एनालिसिस करके लाना। और ऐसा एनालिसिस करना कि आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इस मूवी को अगर नॉर्थ में देखा गया तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, साउथ में देखा गया क्या इंटरप्रिटेशन होगा, अगर 5th क्लास का स्टूडेंट देखता है क्या इंटरप्रिटेशन होगा, और अगर कोई ग्रेजुएट लेवल का बच्चा देखता है क्या इंटरप्रिटेशन होगा। दिमाग एकदम घूम गया, अब वो मूवी नहीं है, अब वो प्रोजेक्ट है। जब बच्चा उस प्रोजेक्ट को देखेगा आराम से वो अपने कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग एनालिसिस लिख के लेकर आएगा, राइट। सो रेलिवेंस टू द रियल वर्ल्ड, जितना ज़्यादा रियल वर्ल्ड से आप कनेक्ट करके स्टूडेंट को नॉलेज दोगे, जितना ज़्यादा उसके साथ लर्निंग सेंट्रिक फॉर्मेट में जाओगे, उतना ज़्यादा बच्चा वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा, विदाउट अ डाउट। कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग हेल्प्स लर्नर्स बिकम रेलिवेंट इन द रियल वर्ल्ड, सो वाइल क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंश्योर दैट द मॉड्यूल्स डोंट जस्ट स्टेट फैक्ट्स बट ऑल्सो यूटिलाइज केस स्टडीज। जितने भी टॉप नॉच बिजनेस स्कूल्स हैं कैसे पढ़ाते हैं, केस स्टडीज के थ्रू। अगर 100 बिजनेसेस उन्होंने बता दिए और उनका फेलियर बता दिया, सक्सेस बता दिया, तो आपको भी पता है अगर कोई और स्टार्टअप करता है तो इन 100 बिजनेस में से एक कहानी उसकी होगी, बहुत सिंपल है ना। तो जितना ज़्यादा केस स्टडीज यूज़ करोगे, रियल प्रॉब्लम्स को यूज़ करोगे, बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप उनका कंटेंट प्रिपेयर करोगे, आउटकम बेस्ड लर्निंग में जाओगे, उतना ज़्यादा बच्चा कॉम्पिटेंट हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। और अगर आप अपनी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करना दिल से चाहते हो कि हम बहुत अच्छे टीचर बने, जस्ट सब्सक्राइब टू द टीचमेंट यूट्यूब चैनल। ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए आने वाला है जो शायद आपकी लाइफ में मैक्सिमम तरीके से इम्पैक्ट करेगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।